हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शफकत बलोच साहब सरगोधा के मेरे भाइयों एमएनए साहबान, एमपीए साहबान और बल्दिया के मेंबरान, कोट मोमन के आवाम आज साबित करे के कोट मोमन नवाज शरीफ है। आज साबित कर दिया है कि नवाज कोट मोमन है। ये साथ इंशाल्लाह कभी नहीं था, कभी नहीं छूट सकता। कहो इंशाल्लाह, ऐसा कोट मोमन मैंने पहले कभी नहीं देखा। कोट मोमन वालों, आज दुनिया पूरा मुल्क आपको देख रहा है। आपने साबित कर दिया कि कोट मोमन शरीफ की जान है और नवाज शरीफ में कोट मोमन की जान है। वाह, इधर हो जाए यार, ना करो ऐसे। ये जलसा नहीं अल्लाह की शान है। ये फैसला है फैसला आवाम की अदालत का फैसला है। ये आवाम की अदालत का फैसला है। ये ऐलान है इस बात का कि वो फैसला पाकिस्तान के आवाम नहीं। ये क्या नवाज शरीफ को अहल करके भेजे और तुम ना है, ये आपको मंजूर है? देखो ये तमाम कैमरे वाले साहबान, देखो ये मीडिया वाले साहबान, देखो ये पूरी खल्के खुदा, ये कोर्ट मोमन, ये सरगोधा, ये खल्के खुदा क्या फैसला दे रही है? ये तुम्हारे फैसले के खिलाफ ये रिफ्रेश आके देख लो, तुम्हारे फैसले को आवाम ने रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। जरा पूरे जज्बे के साथ, पूरे और पूरी आवाज के साथ बता दो, ऐलान कर दो, आपने ये फैसला रद्द कर दिया है। मजाक है ये, कहां का मजाक है? खामोश, ये कहां का मजाक है कि आप एक ऐसे मामले पर, शरीफ ने ख्याली तनख्वाह नहीं ली और एक अकामे पर आप वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को ना अहल करार दे दें। क्या भाई ये फैसला कोई सही फैसला है? तो फिर आज अल्लाह के फजल व करम से ये आवाम की अदालत का फैसला इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में झूमेगा ये फैसला, और इंशाल्लाह लाडलों को कोई जगह नहीं मिलेगी, इस लाडले को कोई जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह इलेक्शन आने वाले हैं,
कोर्ट मोमेंट का ये पूरी कौम का ऐलान बन जाएगा। आगे एबटाबाद वाले भी ऐलान कर चुके हैं, इससे पहले एबटाबाद के आवाम भी ऐलान कर चुके हैं और इससे पहले कोयटा के आवाम भी ऐलान कर चुके हैं, इससे पहले टी रोड के पाकिस्तानी आवाम भी ऐलान कर चुके हैं। आज कोर्ट मोमन ने तारीखी ऐलान कर दिया है, तारीखी। जरा पता कर लो भाई, कोर्ट मोमन शहर में कोई बंदा घर में रह गया या सारे इधर आ गए हैं? सरगोधा में, सरगोधा शहर में या सरगोधा के कोई बंदा घर में है या सारे आज यहाँ आ गए? मुझे तो लगता है कोई घर में नहीं है आज, आज सब इस मैदान में है और कल इंशाल्लाह पाकिस्तान की सड़कों पे होंगे, सड़कों पे। इस मुल्क में तब्दीली आनी है, इस मुल्क में लोगों को इंसाफ मिलेगा, इंसाफ कायम होगा, इस मुल्क के अंदर अदल कायम होगा, बोलो होगा। और इस मुल्क के अंदर गरीब सुख का सांस लेगा, सुख का सांस। गरीबों को रोजगार मिलेगा। 2013 का नक्शा याद है आपको या नहीं याद? बिजली आती थी उस वक्त? क्या बिजली आती थी? 20-20 घंटों की लोड शेडिंग थी या नहीं थी? आज पूरे मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो रही है या नहीं हो रही, बताओ। चार सालों में मुल्क का रुख बदल दिया था के फजल से हमने, और वो काम कर गए हम जो 20-20 साल नहीं किए। आज हमने बिजली की लोड शेडिंग का सत्यानाश कर दिया है, सत्यानाश। लोगों को रोजगार मिल रहा है आज, लेकिन इस फैसले के बाद ये जो पांच महीने गुजरे हैं, मैं शाहिद खाकान वासी को दोष नहीं देता, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है और बड़ी जवाब मर्दी के साथ सारा काम कर रहा है। लेकिन 2013 के बाद ये 4 साल जो है, मैंने अभी कहा है कि 5 महीने, ये फैसले के बाद के 5 महीने तरक्की का सफर अगर हुआ है तो शाहिद अब्बासी साहब आपका कोई कसूर नहीं है, कोई आप पे इल्जाम नहीं ठहराता। उस फैसले से पूछो जिसकी वजह से ये इंतजार मुल्क में आज। मुल्क में इंतशार फैल रहा है तो उस फैसले से पूछो जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में रख दिया है। और पाकिस्तान के अंदर अगर डॉलर आज बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, उस फैसले से मुल्क के जरे मुबादला में कमी आ रही है, उस फैसले खान अब्बासी से मत पूछो। और स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर रही है, उस फैसले से। और आपको याद होना चाहिए जब नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली 19,000 पे स्टॉक एक्सचेंज था, और जब मेरे खिलाफ फैसला आया उस दिन 54,000
54,000 एक्सचेंज था। बोलो मैं सच कह रहा हूं ना? और स्टॉक एक्सचेंज में अगर मंदी आई है तो उस फैसले से पूछो उस फैसले से। और पाकिस्तान में जैसे मैंने अभी कहा है, महंगाई ने सर उठाया है, उठाया या नहीं उठाया? नवाज शरीफ के दौर में महंगाई थी? नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज महंगाई ने सर उठाया है। तो इस फैसले से आज बेरोजगारी ने सर उठाया है। इस फैसले से पूछो, बेरोजगारी आज बढ़ रही है और दहशतगर्दी ने मुल्क में जहां जहां भी सर उठाया है। इस फैसले से पूछो, पूछो इस फैसले में पाकिस्तान की रुसवाई हो रही है, दुनिया में रुसवाई हो रही है। इस फैसले से और मुल्क में साजिशों ने, साजिश करने वालों ने फिर सर उठाया है। आप जानते ना कि साजिशी कौन है? लाडले के अलावा और कौन साजिशी है? जो जो साजिशी कैनेडा से आकर फिर यहां बैठ गए हैं। और आप जानते हैं नहीं जानते मेरे भाइयों? और सुनो भाई, सुनो बेटा, बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई। आपका जो लाडला है वो लाडला मानता है, लाडला मान रहा है। लाडले ने माना है कि मेरी लाखों पाउंड की जो करोड़ों रुपए बनता है कि जनाब मैंने ये बिजनेस किया है। भाई बीबी बीबी रखे आ जाए, पीछे थोड़ा सा हो जाए। लाडला मानता है कि मेरी भी कंपनी मौजूद थी, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी। लाडला तस्लीम करता है कि नियाजी सर्विसेज मेरी थी। और लाडला जो है वो भी कहता है कि राशिद खान को पैसे भेजे, और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया जो आपने भेजा? तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते, लेकिन तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। और तुम लोग जानते हैं अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया या नहीं लगाया? और हमारे ये बेंच कहता है, ये मोहतरम बेंच कहता है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहता है लाडले को, और नहीं मियां नहीं इमरान नहीं, और नहीं तूने, तुम्हारा पैसा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी और इमरान का है, ये किसी दूसरे इमरान का है, तुम्हारा नहीं है। और ये पैसा जो है, ये कंपनी जो है, ये तुम्हारी नहीं है। वो कह रहा मेरी है, ये कहते नहीं तेरी नहीं है। बताओ भाई किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं? बोलो बोलो, इमरान की बात मानूं या इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच की बात मानूं? फैसला आप दे दो। सुनो फैसला, लाडले की बात मानूं? नो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच की बात मानूं? बिग नो है ये, बिग नो। भाई फैसला no। और नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला नवाज शरीफ के खिलाफ। कोई करप्शन का सबूत तो दूर की बात है, इल्जाम भी नहीं मिला नवाज शरीफ के खिलाफ। एक रुपए की करप्शन का कोई सबूत मिला no। नवाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत मिला नहीं। आज तो बर्तानिया ने भी कह दिया है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से भी कह दिया है कि उस वक्त तक हमसे कोई सवाल ना पूछो, कोई सवाल ना पूछो जब तक कि हमें ये नहीं बताओ कि नवाज शरीफ ने करप्शन कहां की है, कहां
ये पिछले 5 महीनों से मैं भी यही पूछ रहा हूँ और पाकिस्तान के अवाम कोर्ट मोमन के अवाम भी यही पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ ने करप्शन कहाँ की है भाई बताओ, बोलो पूछ रहे हो ना पूछ रहे, वो आखिरी बंदे भी बताओ, आपका भी यही सवाल है ना। इस सवाल का जवाब इस ये 5 जजों वाले देना पड़ेगा। ये मजमा पाम का जमे गफीर भी यही कह रहा है, कह रहे हो ना आप मेरे साथ के जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ऐसे हम नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम करप्ट नहीं हैं, ये लोग करप्ट हैं, ये हर मामले में करप्ट हैं। इसके किस्से कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? आज भी अखबार पढ़ के देख ले, पढ़ के देख ले आज भी। हजूर हम ऐसे जान नहीं छोड़ेंगे, या तो बताओ कि नवाज शरीफ तुमने यहाँ पे पैसा कमाया है, करप्शन की है। अगर नहीं बता सकते पाकिस्तान के अवाम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये देखो ये अवाम की खिदमत का सिला दिया जा रहा है नवाज शरीफ को, अवाम की खिदमत का सिला ये दिया जा रहा है नवाज शरीफ को, और जिसने आके लोड शेडिंग के अंधेरे, जिसने आके मोटरवेज बनाई, कोर्ट मोमन को मोटरवे के साथ मिलाया, और इंशाल्लाह अब कभी मौका आएगा तो कोर्ट मोमन सरगोधा और आगे तक जाएगी। और गैस भी आएगी, गैस इंशाल्लाह। और आपको मालूम है नवाज शरीफ जब कोई वादा करता है तो मेरी बात आपने मुकम्मल कर दी, नवाज शरीफ जब कोई वादा करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आइंदा देखो, पहले मुझे आज सिटी रोड के मनाजर याद आ रहे हैं, ये मंदिर भी सिटी रोड से कम नहीं है जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। आपने जजों की बहाली के लिए, अदलिया की बहाली के लिए नवाज शरीफ का साथ दिया था ना, दिया था। अब अदल की बहाली के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे? मैं आपसे इंशाल्लाह वादा करता हूं, अगर आप मुझे भरपूर मैंडेट देंगे इलेक्शनों में, भरपूर वोट देंगे इलेक्शनों में, तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल घर घर में चौकट चौकट पे इंसाफ लेकर आऊंगा इंशाल्लाह, इंसाफ। चंद दिन पहले अखबार में पढ़ा था, कि 26 सालों के बाद, 26 सालों के बाद जब वो एक मुल्ज़िम मर गया, 26 सालों की जेल के बाद मुल्ज़िम मर गया, अदालत के किसी फैसले ने उसको बरी कर दिया, आदमी को बरी कर दिया। दादा के जमाने में केस किया जाता है, पोते के जमाने में जाके कहीं फैसला होता है। क्या ये सब कुछ आपको मंजूर है? ये इंसाफ के दौरे में आपको मंजूर है? इंसाफ एक ही पैमाना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई लाडला होना चाहिए और कोई ऐसा जिसको धुतकार दिया जाए ऐसा होना चाहिए, बगैर किसी वजह से आप किसी को नहल कर दें और किसी को आप जनाब बरी कर दें,
ये माने और दो स्टैंडर्ड्स हमें मंजूर नहीं, इस काम को मंजूर नहीं। मेरे भाइयों, इंशाल्लाह मुझे लगता है आज के जज्बे से और आज भरपूर अवाम की शिरकत से मुझे इंशाल्लाह ये महसूस होता है कि अगला इलेक्शन 2018 वाला इलेक्शन इंशाल्लाह फिर मुस्लिम लीग नून जीतेगी। कोई मुतालबा है, कोई मुतालबा है तो आज ही कर दो, आज ही कर दो। नवाज शरीफ के हाथों, नवाज शरीफ के हाथों पूरा करवाएगा। मुझे तुम पे इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है कि मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, कोई मुतालबा है तो आज ही कर दो भाई। वो बाहर वालों, बहुत शुक्रिया हाथ लाने का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ये नौजवान चुप करो, अरे बंद करो ये आवाज। ये जो मेरे नौजवान खड़े हैं सामने, ये मेरी फौज है इंशाल्लाह। ये है वो फौज पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा करेगी, इनकलाब। और नवाज शरीफ जो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा करता है। ये नौजवानों, आप बताओ कोट मोमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? 2018 के इलेक्शनों के बाद इंशाल्लाह क्या चाहिए? यूनिवर्सिटी, क्या कहा, यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह दी जाएगी इंशाल्लाह। याद रखना नवाज शरीफ ने आपके साथ ये वादा किया था इंशाल्लाह। ये और बहुत कुछ होगा, ये जो मैंने मोटरवे की बात की है, मोटरवे भी बनेगी इंशाल्लाह। आज यार दिल खुश कर देता जे नौजवानों, दिल खुश कर देता। अल्लाह तानू खुश रखे, अल्लाह तानू भी खुश रखे, बाहर वालों आपको भी खुश रखे अल्लाह, अंदर वालों आपको भी अल्लाह खुश रखे, इधर के बाहर वालों आपको भी अल्लाह खुश, और पीछे वालों आपको भी अल्लाह खुश रखे। कोट मोमेन सरगोधा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। जलसा आम कोट मोमिन में जारी था और इससे सबसे आखिर में खिताब किया।